नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल चैनल सैनिक झुंझुनू में डॉक्टर मुकेश एसमुंड आपका हार्दिक स्वागत करता है। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि अपलोड नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन से पता चलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरे जो पहले वीडियो के अंदर घड़ी परीक्षण के अंदर अपने कर लिया था, कोई भी आपके पास में समय दे रखा हो और उसके बीच में जो अतिव्यापन समय क्या होगा, विपरीत समय क्या होगा, लंबवत समय ज्ञात करना मैंने बताया था आपको। इससे जस्ट आगे जो पार्ट सेकंड के अंदर देखें आप, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कोई घड़ी लगी हुई है और सामने यदि दर्पण है, जो आपको एक्चुअल समय जो घड़ी के अंदर दिखाई दे रहा है वह समय आपको दर्पण में नहीं दिखाई देगा। तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, डिफरेंट समय दिखाई देगा, तो देखें आप दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। तो यदि कोई आपको समय दे रखा है घड़ी के अंदर और उसका यदि आपको दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो देखिए क्या करेंगे। यदि समय 1 बजे से लेकर के 11 बजे के मध्य दिया गया हो, 1 बजे से 11 बजे के मध्य दिया गया हो और उस समय का यदि दर्पण प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना है तो आप दिए गए समय को 11:60 में से घटाएंगे। मैंने कहा 9:23 है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 9:23 तो ये हो गया आपके पास में 2:37, ये आपके पास में दर्पण प्रतिबिंब होगा। और यदि आपको दर्पण के अंदर जो समय वो दिया गया है और वास्तविक समय आपसे पूछ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2:37 को यदि आप 11:60 में से घटाएंगे तो वही 9:23 आ जाएगा आपके पास में। तो मैंने यहां पर बताया सबसे पहला केस, यदि समय 1 बजे से 11 बजे के बीच में दिया गया है और आपको दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो आप 11:60 से घटाएंगे, और यदि 11 से 1 के बीच में दिया गया है, ये 2 घंटे का जो टाइम है इसमें यदि आपको दिया गया है तो आप दिए गए समय को 23:60 में से घटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 12:39 है, 12:39 है तो आपके पास में कितना आ गया, ये 11:21, ये आपके पास में दर्पण के अंदर दिखाई देगा। यदि घड़ी के अंदर यदि ये समय है 12:39, यदि आप वही समय दर्पण के अंदर देखेंगे तो आपको 11:21 दिखाई देगा। और यदि दर्पण का समय दे रखा है 11:21 और वास्तविक समय पूछ ले तो वही बात है, 23:60 में से आप 11:21 को घटाएंगे तो 12:39 आएगा। अब देखिए, यह तो हुआ दर्पण प्रतिबिंब। अब यदि आपको कोई भी समय दे दे और दोनों सुइयों के बीच में कोण पूछे आपसे कि कितने डिग्री का कोण है, तो कोण ज्ञात करने के लिए ध्यान दे, ये आपके पास में घड़ी है, ये आपके पास में छोटी सुई और ये बड़ी सुई। सर्वप्रथम तो कोण का मापन जो एंगल जो मेजरमेंट करेंगे अपन, हमेशा क्लॉकवाइज करते हैं। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई इसी दिशा में चलती है, ये क्लॉकवाइज। घंटे से मिनट की सुई के बीच का कोण, घंटे की सुई ये है आवर्स 2 मिनट, घंटे से मिनट की सुई के बीच का कोण हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और मिनट से घंटे की, तो घंटे से मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और मिनट से घंटे की सुई के बीच का कोण हमेशा ऋणात्मक होता है, नेगेटिव। मैंने कहा मिनट से घंटे की, तो मिनट से घंटे की तरफ, ये नहीं कि आप इधर से चल लो मिनट ना, ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। मिनट से आप क्लॉकवाइज चले आप घंटे की तरफ, ये कोण हो गया आपके पास में नेगेटिव, माइनस में। अब यदि ये कोण आपको ज्ञात है तो ये कोण आप स्वतः ही ज्ञात कर लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है टोटल एंगल कितना हो गया 360 में से आप इस कोण को माइनस कर देंगे तो ये कोण आ जाएगा, या 360 में से ये कोण माइनस करेंगे तो ये कोण आ जाएगा आपके पास में। अब देखिए आप कोण कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यदि समय 12 बज रहे हैं, एक के ऊपर एक है दोनों सुइयां, ये छोटी सुई है घंटे की सुई और ये बड़ी सुई है मिनट की सुई, 12:01 होगा तो बड़ी वाली सुई कितना चलेगी 6 डिग्री और छोटी वाली कितना चलेगी आधा डिग्री, तो दोनों के बीच में गैप कितना हुआ 5.5, या इसको क्या लिख सकता हूं 11/2 डिग्री का। तो यदि समय 12 बजकर के कोई टाइम आपको दिया गया हो और दोनों सुइयों के बीच में आपको कोण ज्ञात करना है, मैंने कहा 12:38 है, दोनों सुइयों के बीच में आपको कोण ज्ञात करना है तो जितने मिनट आपको दिए गए हैं आप उसको 11/2 से गुणा करेंगे, 2 से मैंने इसको काटा 19 और ये कितना हो गया आपके पास में 209 डिग्री, ये कोण आया आपके पास में 12:38। और ध्यान दें ये कोण आपके पास पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब घंटे से मिनट की सुई के बीच का कोण आपके पास में क्या आया 209 डिग्री। और यदि यही समय मैं कहूं कि 12:38 मिनट से घंटे का कोण क्या होगा तो आप क्या करेंगे 360 - 209, तो कितना आ गया 151 डिग्री।
ये आपके आसपास 151 डिग्री का कोण, ये कहां से कहां तक आ गया, मिनट से घंटे का कोण आ गया आपके आसपास 151 डिग्री। इसी प्रकार ये तो केवल 12 बजकर के कोई टाइम दे रखा हो तब आप इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, 12 बजकर कोई टाइम दे रखा है, जितने मिनट आपको दिए गए आप उसको सीधा 11/2 से मल्टीप्लाई करें, जितना आपके पास में ये कोण आया, ये धनात्मक कोण आया, पॉजिटिव एंगल आया है, तो ये घंटे से मिनट का होगा, और मिनट से घंटे का पूछे तो 360 से माइनस करेंगे। नेक्स्ट, अब यदि समय आपके पास 12 बजे को छोड़ करके, 12 बजे को छोड़ करके बाकी जो 11 घंटे बच गए उनमें कोई टाइम आपको दिया गया हो, मैंने कहा 12:32 है, 12:32 बजे घंटे से मिनट का कोण क्या होगा, तो देखिए इस प्रकार से जो 11 घंटे बच गए उनमें कोई टाइम आपको दे रखा हो और दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना है, तो देखिए कोण ज्ञात करने की विधि, उससे सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, सर्वप्रथम आप बजकर को, बजकर कितना है 4, बजकर को 5 से गुणा करें, तो 4 × 5 कितना हो गया 20। सबसे पहली स्टेप, सर्वप्रथम बजकर को 5 से गुणा करेंगे आपके आसपास आ गया 20। दूसरी स्टेप, अब ये आपने गुणा किया तो क्या है गुणनफल, अब प्राप्त गुणनफल को दी गई मिनटों में से घटाते हैं, मिनट कितनी है 32, 32 माइनस 20 कितना आया आपके पास में 12, अब ये घटाया तो क्या है ये शेषफल। अब तीसरी स्टेप जो होगी, जो प्राप्त शेषफल जो है रिमाइंडर जो जो बचा आपके पास में 12, उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करें आप, तो कितना आ गया ये 72 आया 72। अब ये जो गुणा किया गुणनफल आया, अब इस गुणनफल के अंदर जितने मिनट आपको दिए गए हैं उसका हाफ, उसका आधा, आधा कितना हो गया 32 का आधा 16, 16 इसमें से वो माइनस करूंगा तो कितना आ गया आपके पास में 56 आ गया, ये 56 आया आपके पास में। अब ये 56 इतना डिग्री, ये कोण आया आपके पास में 4:32, यही पोजीशन होगी 4:32, ये छोटी सुई यहां सीख होगी 32 मिनट, ये बड़ी वाली सुई, ये जो कोण है वो आपके पास में कितना डिग्री आया, ये 56 डिग्री आया, ये प्लस का कोण आया है, इसका मतलब ये घंटे से मिनट का आया है, घंटे से मिनट का ही मैंने पूछा है, यदि मैं यहां पर मिनट से घंटे का पूछूं आपसे तो क्या करेंगे आप, 360 - 56 तो ये आ गया 304 डिग्री, ये आ गया आपके पास में मिनट से घंटे का कोण। तो इसी प्रकार से कोई भी आपके पास में टाइम दे रखा हो दोनों सुइयों के बीच में आपको कोण ज्ञात करना है तो आप सर्वप्रथम बजकर को 5 से गुणा करेंगे, 20 आया, फिर दी गई मिनटों में से इसको घटाया ये आया, फिर जो शेषफल आया उसको 6 से गुणा करेंगे, जो गुणनफल आया उसमें से आप दी गई मिनटों का आधा घटाएंगे आप, तो आपके पास में आ गया 56 डिग्री, और ये जो 56 डिग्री जो है वो क्या है आपके पास में घंटे से मिनट का कोण, और इसी प्रकार से मिनट से घंटे का ज्ञात करना है तो 360 - 56 तो आपके पास में आ गया 304 डिग्री। अब देखिए ये चैप्टर मेरा बिल्कुल कंप्लीट है घड़ी परीक्षण, और अगला जो चैप्टर आप देख पाए इसके लिए आपने यदि मेरे चैनल सैनिक झुंझुनू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप सब्सक्राइब करें, ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए आप लाइक करें, और जो भी आपकी जो समस्याएं हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं। थैंक यू।